भरतपुर में आरबीएम अस्पताल में इन दिनों इमरजेंसी खिड़की पर रजिस्ट्रेशन करवाने वाले मरीजों की बेतरतीबी लाइनें लगी है, जिसके चलते भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। राजकीय आरबीएम अस्पताल सामान्य दिनों में 2 बजे तक खुलता है, लेकिन अवकाश वाले दिन सिर्फ 11 बजे तक की ड्यूटी होती है। वहीं इमरजेंसी खिड़की पर आउटडोर वाले मरीज भी पर्ची बनवाते हैं, जिसे इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को घंटों तक लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इसी बीच लाइन में खड़े मरीजों और साथी इधर उधर से पर्चा लेने वालों की वजह से आपस में झगड़े तक की नौबत आ जाती है। इमरजेंसी पर एक ही ड्यूटी गार्ड होने की वजह से भी मरीजों पर कई बार नियंत्रण करना काफी भारी हो जाता है। भरतपुर सम्मार्ट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जो आर्मी हॉस्पिटल है, जो मेडिकल कॉलेज है वर्तमान में, ना जो काउंटर वो काउंटर है ये ठीक खुला हुआ। वर्तमान में इतनी भीड़ लगी हुई है, ना दूर दराज से आने वाली महिलाएं बेचारे आमजन इतने परेशान हैं, जो भीड़ इतनी भीषण गर्मी में टेम्परेचर 48 के में भी खड़े हुए और कोई सीटों नंबर नहीं आ रहा, ना लड़ाई झड़ रही थी, वो स्थिति पैदा होती है। नांटा जो हॉस्पिटल प्रशासन है वो स्तर में पूरे ध्वस्त पड़ा हुआ है, उनको कोई वो नहीं है कि आम जनता के साथ क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा है। एक ही खिड़की है, खिड़की तो ना 4-5 खुली हुई है, मगर जारी वर्तमान में आज की जो स्थिति है एक ही खुली हुई है। गार्ड नहीं, गार्ड लगे हुए हैं, गार्ड तो आराम से तमाशा देख रहा है, पता नहीं आम जनता आपस में वो हो रही है। जो जिम्मेदारी बनती है ना उनके हॉस्पिटल प्रशासन की, जो आम जनता इतनी तरीका से बहुत परेशान। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।